दोस्तों आज के समय में जब भी फॉसिल फ्यूल से चलने वाली गाड़ियों से एनवायरनमेंट को होने वाले नुकसान पर लोग बात करने लगते हैं, तो ऐसे में कुछ ज्ञानी लोग ये कहते हुए मिल जाएंगे कि ये तब तक ठीक नहीं होगा जब तक कि सारी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक नहीं कर दिया जाएगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये लोग आए दिन टेस्ला कार के सपने देखते रहते हैं, लेकिन हमारे नितिन गडकरी ने इलेक्ट्रिक कार के आगे की टेक्निक हमारे सामने लाकर रख दी है और आज ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक कार नहीं बल्कि हाइड्रोजन कार्स ही भारत का फ्यूचर होगी। अब सुनने में तो ये हाइड्रोजन कार कॉन्सेप्ट कुछ ज्यादा ही साइंटिफिक लग रहा है, तो आखिर ये है क्या और क्यों इसे भारत में भविष्य के तौर पर देखा जा रहा है, आइए समझते हैं। तो दोस्तों ये बात जो हाइड्रोजन कार के लिए बोली जा रही है वो इसीलिए क्योंकि जापान की कार कंपनी टोयोटा मोटर्स ने अपनी इंडियन सब्सिडियरी के साथ मिलकर हाल ही में हाइड्रोजन से चलने वाली एक कार टोयोटा मिराई को लॉन्च किया। अब इसी को लेकर बीते कुछ महीनों से लोगों के बीच गजब का माहौल बना हुआ है। इसका एक कारण ये भी था कि खुद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी इस कार को भविष्य की कार बता चुके हैं और हाल ही में जब वो इससे संसद भवन पहुंचे तो उनकी कोशिश ने काफी लोगों का ध्यान खींचा था। लेकिन ऐसा क्या है जो इस कार को फ्यूचर कार बनाता है, उसे समझते हैं। आपको बता दें कि टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स ने टोयोटा मिराई को अभी इंडियन मार्केट में पायलट प्रोजेक्ट की तरह लॉन्च किया है, जो कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर चलने वाली देश की पहली कार है। अगर इस कार को भविष्य की कार कहा जा रहा है तो इसकी एक बड़ी वजह इसका नाम ही है। दरअसल टोयोटा जापान की प्रमुख कार कंपनी है, उस कार के नाम में ही भविष्य है क्योंकि मिराई जो कि एक जापानी शब्द है उसका मतलब ही फ्यूचर होता है। लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं है जो इसे फ्यूचर कार बनाती हो, असल में ये इलेक्ट्रिक कार ही है, लेकिन इसे चलाने के लिए जो जरूरी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है वो इसमें लगे हाइड्रोजन फ्यूल सेल से जनरेट होती है। ये फ्यूल सेल एनवायरनमेंट में मौजूद ऑक्सीजन और इसके फ्यूल टैंक में भरे हाइड्रोजन के बीच केमिकल रिएक्शन कराकर बिजली पैदा करते हैं। केमिकल रिएक्शन कुछ ऐसा होता है कि इन दोनों गैसों के मिलने से पानी यानी H2O और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसी इलेक्ट्रिसिटी से कार चलती है, जबकि इसमें लगी पावर कंट्रोल यूनिट एक्स्ट्रा बिजली को कार में लगी बैटरी में स्टोर के लिए भेज देती है। यानी इसमें पहले बैटरी को फुल चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं होती, जो किसी आम इलेक्ट्रिक कार की मजबूरी है। इसके अलावा बात करें तो इस कार को फ्यूचर कार इसका एमिशन सिस्टम बनाता है। एमिशन सिस्टम को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे पेट्रोल और डीजल में जब आग लगती है तो इंजन रोटेट करता है और फ्यूल के जलने के कारण कार्बन बेस्ड गैसेस साइलेंसर से बाहर आती हैं और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करती हैं। लेकिन इस कार को चलाने के लिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो केमिकल रिएक्शन होता है उससे बनने वाली भाप या पानी ही इस कार के साइलेंसर से बाहर आती है, साथ में थोड़ी सी गर्मी भी। इस तरह से ये कार वातावरण में बिल्कुल भी पॉल्यूशन को बढ़ाती नहीं है, जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड इस समय भारत में है। टोयोटा मिराई के बारे में कंपनी का दावा है कि ये हाइड्रोजन से एक टैंक फुल कराने के बाद 650 किलोमीटर तक जा सकती है। हालांकि इस कार के नाम एक टैंक हाइड्रोजन के साथ 1359 किलोमीटर चलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है, लेकिन भारत की सड़कों पर ये आराम से 600 किलोमीटर से ज्यादा चल सकती है। इसी के साथ कार 172 bhp की मैक्सिमम पावर और 407 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करती है। अब अगर इसे रिफ्यूल करने की बात करें तो इसे फ्यूचर कार रिफ्यूल करवाने में लगने वाला कम वक्त भी बनाता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन फ्यूल भरवाने में और टैंक फुल करने में सिर्फ 5 मिनट का वक्त लगता है, जबकि आम बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल को कम से कम 30 से 40 मिनट में ही ठीक तरह से चार्ज या स्वैप किया जा सकता है। अब आपको बता दें कि इसमें हाइड्रोजन को ठीक वैसे ही भरवाया जा सकता है जैसे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल भरवाया जाता है। अब अगर इस कार की शुरुआत की बात करें तो टोयोटा मिराई साल 2014 से ही इंटरनेशनल मार्केट में मौजूद है और इसके 2022 मॉडल की कीमत $49,500 से शुरू होती है। अगर इसे भारतीय रुपयों में देखें तो करीब 38 लाख रुपए इस कार की कीमत होती है। अब अगर कंपनी इंडियन मार्केट में से सीधे कंप्लीट बिल्ट यूनिट के तौर पर लाती है तो इसकी कीमत लगभग दोगुनी हो जाएगी, लेकिन वहीं अगर इसे भारत में ही बनाया जाता है तो ये दाम बेहद नीचे आ सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब ये कार इलेक्ट्रिक कार से बेहतर है तो इसे चलाने में ज्यादा पैसे खर्च होंगे, तो आपको बता दें कि टोयोटा मिराई में कंपनी लगभग 5.5 किलोग्राम की कैपेसिटी वाला हाइड्रोजन टैंक देती है। आमतौर पर एक सेडान कार में 40 लीटर की कैपेसिटी का फ्यूल टैंक होता है। ऐसे में अगर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए मान ली जाए तो फुल टैंक कराने में करीब 4,000 रुपए का खर्च आता है, जबकि एक सेडान कार औसतन 20 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। इस हिसाब से आपकी कार चलाने का खर्च प्रति किलोमीटर 5 रुपए बैठेगा और फुल टैंक में आप 800 किलोमीटर जाएंगे। अब ऐसे में अगर हाइड्रोजन फ्यूल की बात करें तो फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होने वाली हाइड्रोजन को रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स या बायोमास से हासिल किया जा सकता है, जबकि इसके अलावा ब्लू हाइड्रोजन का विकल्प भी है। इस मामले से जुड़े एक्सपर्ट की माने तो उनके मुताबिक 2030 तक
देश में हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन पर ग्रीन हाइड्रोजन की कीमत 430 से 495 रुपए प्रति किलोग्राम और ब्लू हाइड्रोजन की कीमत 420 से 455 रुपए प्रति किलोग्राम तक हो सकती है। अब अगर कीमत यही होती है तो इस हिसाब से टोयोटा मिराई का टैंक ग्रीन हाइड्रोजन से फुल कराने में करीब 2800 रुपए और ब्लू हाइड्रोजन से करीब 2500 रुपए का आएगा। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था, एक बार के फुल टैंक में गाड़ी अगर 600 किलोमीटर भी जाती है तो प्रति किलोमीटर गाड़ी चलाने का खर्च 4 से 4.5 रुपए तक पड़ेगा। इस तरह ये गाड़ी चलाने में सस्ती होने के साथ साथ एनवायरमेंट के लिए भी बढ़िया रहने वाली है। अब अगर भारत में इस कार के भविष्य की बात करें तो 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाइड्रोजन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय हाइड्रोजन एनर्जी मिशन को लॉन्च करने की बात कही थी। इसके बाद 2021-2022 के आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाइड्रोजन एनर्जी मिशन को लॉन्च करने की बात कही थी, जिसके बाद देश में हाइड्रोजन को लेकर नई नई नीतियां बनाई जा रही हैं। इसके अलावा इसी साल की शुरुआत में नितिन गडकरी ने घोषणा की थी, इंडियन ऑयल ग्रीन हाइड्रोजन की सप्लाई पूरी करने का काम करेगा, जिसका मकसद है देश में सस्ते हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देना। अब अगर सरकार की सारी कोशिशें रंग लाती हैं और भारत में हाइड्रोजन का प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर होता है तो भारत को पेट्रोल डीजल के साथ ही साथ इलेक्ट्रिक बैटरियों की कमी और उनके महंगे दामों से भी छुटकारा मिल जाएगा और भारत में एनवायरमेंट को लेकर एक बेहतरीन कदम भी होगा। आपको क्या लगता है, क्या हाइड्रोजन कार भारत का फ्यूचर बन पाएंगी? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।